नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक नई भर्ती निकल चुकी है और ये भर्ती आरएसएम एसएसबी यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा निकाली गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरएसएम एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पर विज्ञप्ति भी नई भर्ती के लिए जारी कर दी गई है। और दोस्तों, आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो हम बात करेंगे इस भर्ती की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और पहले देख लेते हैं ये विज्ञप्ति कहां पर आई है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आरएसएमएसएसबी की और इस वेबसाइट पर आप यहां देख सकते हैं न्यूज़ नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है। पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाइए, उसके बाद इस न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी नोटिस आती है वो यहीं पर आती है। और आरएसएमएसएसबी ने ही एलडीसी की भर्ती निकाली थी, उसके अलावा जो लेबर असिस्टेंट की भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, वो सब आरएसएमएसएसबी के द्वारा निकाली गई है। तो आप इस वेबसाइट से बने रहिए ताकि आपको हर नोटिस मिलती रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, ये एक पीडीएफ फाइल है। तो ये देखिए पीडीएफ फाइल है जो खुल चुकी है ये विज्ञप्ति। और ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 22 जनवरी 2019 को जारी की गई है। विज्ञप्ति क्रमांक भी यहाँ पर दिया गया है। तो कृषि विभाग जो अन्वेषक के पदों के लिए यह सीधी भर्ती निकाली गई है। तो जयपुर के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा अधिनियम के तहत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती अन्य शर्तों के नियम के तहत ये भर्ती निकाली गई है और ऑनलाइन आवेदन इसके लिए मांगे गए हैं। पदों का वर्गीकरण आप नीचे देख सकते हैं कितने कितने पद है इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्वेषक की होता है इन्वेस्टिगेटर के गैर अनुसूचित क्षेत्र है जो उसके लिए 56 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 6 पद है। टोटल कुल मिलाकर 62 पदों पर ये भर्ती है। आप पूरी भर्ती की प्रक्रिया देखिए, अगर आप योग्य है तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए इसके लिए। और जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, आपको पहले बता दिया। और किस तरह से आवेदन करना है वो आपको एसएसओ जो आईडी है आपकी उस पर लॉगिन करके आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा आवेदन करना होगा। और इसके अलावा जो डिटेल्स है वो आप पढ़ लीजिए। आवेदन में लिए जाने के लिए आपको ई मित्र या क्योसक से भी आप आवेदन कर सकते हैं। और जो शुल्क है ई मित्र क्योसक जमा करना होगा वो सिर्फ अभ्यर्थी द्वारा 30 रुपये और 20 रुपये यानी कुल टोटल 50 रुपये इसके लिए शुल्क देना होगा। आप यहाँ पर दे सकते हैं जो केस को जो कुल शुल्क देना होगा फार्म फीस है वो 30 रुपये और प्लस 20 रुपये और 10 रुपये जो आवेदन पत्र भरने के लिए, कुल मिलाकर 60 रुपये इसकी फीस है। और आप ई मित्रा से भी इसको भरा सकते हैं और खुद एसएसओ आईडी पर लॉगिन करके भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिटेल्स दी गई है आप वीडियो को रोककर इस पूरी डिटेल्स को पढ़िए, और मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप खुद इस डिटेल्स को पढ़ लीजिए। और जो इस इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं इस भर्ती से संबंधित, फॉर्म भरने से संबंधित, वो ज़रूर पढ़िए क्योंकि उससे कोई गलती होने के चांस नहीं होते अगर आप पूरे पढ़ते हो तो। और परीक्षा शुल्क है वो यहाँ पर दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 450 रुपये है और जो अन्य मतलब अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 350 रुपये है नॉन क्रिमिलियर के लिए। और इसके अलावा जो राजस्थान अनुसूचित जाति SC और ST के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये इसके लिए फीस फार्म फीस रखा गया है। और जो आवेदन के लिए जो समस्त ई मित्र क्योसक से भी आप भरा सकते हैं, इससे संबंधित कोई जानकारी नीचे है वो सभी जानकारी दी गई है। और प्रवेश पत्र से संबंधित कहा गया है कि ये ईमेल आईडी है उस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी जब प्रवेश पत्र आएगा। तो यहाँ पर जो पदों का वर्गीकरण है वो भी आप देख लीजिए किस प्रकार पद बांटे गए हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत और जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके अंतर्गत कितने कितने पद हैं, वो उसका जो सारा विवरण है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे इससे संबंधित आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोककर पूरा जो विवरण है आप पढ़ सकते हैं। और नीचे इससे संबंधित नोटिस दिया गया है, आप पूरा नोटिस पढ़िए। और आप वीडियो को, मैं धीरे धीरे इसे नीचे कर रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा रोककर इस पूरे नोटिस को पढ़ लीजिए या सीधे आप आरएसएमएसएसबी में जाकर भी यह देख सकते हैं। और नीचे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो छूट दी गई है अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितने % छूट दी गई है
वो सब यहाँ पर इसमें इसके अंतर दिया गया है। और यहाँ पर जो विशेष योग्य जन हैं उनके लिए क्या आरक्षण है वो उससे संबंधित भी जानकारी दी गई है, पूरी जानकारी इसमें पढ़ लीजिए। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के विशेष निर्देश भी दिए गए हैं, तो वो सारे आप पढ़ लीजिए। और वेतनमान के अंतर्गत दिया गया है कि लेवल 10 के अंतर्गत इसका वेतन होगा। और पात्रता में शैक्षणिक योग्यता अपॉइंटमेंट यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय से गणित अथवा सांख्यिकी के साथ स्नातक और कृषि अनुसंधान यानी BSc मांगी गई है इसमें। और देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का अनुमान वो ज्ञान भी होना चाहिए। और संस्कृति का ज्ञान का मतलब है यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि राजस्थान जी के इसमें आएगा इसके एग्ज़ाम में। और इससे संबंधित और जो सूचना है वो आप नीचे देख सकते हैं। जो अन्य योग्यताएं हैं, चरित्र है, स्वास्थ्य है, राष्ट्रीय संबंधित आयु है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया आयु है इसमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच इसकी आयु रखी गई है। और आयु सीमा में जो छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज को वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। एक सर्विसमैन को या जो अन्य कैटेगरी की है अनुसूचित SC और ST को जितनी छूट दी गई है वो यहाँ पर दी गई है। आप पढ़ लीजिए इसको, वीडियो को रोककर पूरा। और परीक्षा शुल्क जमा कराने का तरीका ऑनलाइन है और आप ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। और इससे संबंधित जो पूरी जानकारी है वीडियो को मैं धीरे धीरे नीचे करा हूँ। परीक्षा में है वह दिनांक भी दी गई है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो मार्च और अप्रैल 2019 में होगी। मार्च और अप्रैल इसकी डेट भी पहले बता दी गई है। और इससे संबंधित पूरी जानकारी नीचे दी गई है, आप पूरी जानकारी पढ़िए। और इसमें फार्म भरने से संबंधित और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। बोर्ड की जो वेबसाइट है वो आपको पहले बता दिया, RSM SS भी है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर भर्ती की, राजस्थान की हर भर्ती की हर ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।